वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब हो? आप सब अच्छे होंगे, मैं ही बहुत अच्छी हूँ। सो अभी जस्ट नहा के आई हूँ। आज मुझे ना हेयर वॉश के लिए जाना था, बट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने खुद से ही मास्क वगैरह मेरे पास है, तो मैंने खुद से ही अपना हेयर वॉश कर लिया घर पे ही। और बर्थडे का ग्लो देख रहे हो, पता नहीं जब हमारे घर में बच्चों की शादी होगी तो मेरे फेस पे कितना ग्लो आएगा। अभी बर्थडे का इतना ग्लो है नोना के, जब कल को वशु की, लड्डू की, पहले लोगों की शादी होगी, जब होगी तो मेरा तो ग्लो ही अलग होएगा। और पता नहीं मेरे लड्डू की शादी होगी, पहले मैं गुन्नू के खेत में गई। हाँ हाँ, गुन्नू की, सॉरी गुन्नू तो भूल गई, मैं गुन्नू अंशु। अंशु भी नहीं है भाई, सीधे तुम्हारी होगी। हाँ हाँ, गुन्नू अंशु की होगी यार, पहले तो गुन्नू है, अंशु है, तो इनकी शादी होगी। हाँ मम्मी, तो मुझे तो लग रहा है मैं और मम्मी तो कपड़ों में सजने संवरने में रह जाएंगे। बस आज मेरी आईब्रो बनेगी, आ जाएंगे मेरी आईब्रो, आज मेरी आईब्रो बननी है और आईब्रो बनेगी और अंडर आर्म्स कराने हैं मुझे। नहीं वो उसमें है। सो गुन्नू के नेल्स हो रहे, हिमांशु आ गया था और अभी मिलते हैं आप लोगों। सर रिद्धि भी आ गई, लोग व्लॉग ही स्टार्ट करा थे, देखो रिद्धि भी आ गई। पूरे टाइम की पंचुअल है, टाइम पे आइएगा कहीं। हाँ अकेले आए हो, कैसे हो गाइस? आपको पता है कि रिद्धि हमें मेहंदी लगाती है और हिमांशु हाय बोल लो। ये भी मैंने क्या कलर कराया है, मुझे टक्कर देने के लिए कलर करा के आ गया। तो गाइस चलो मैं चाय बनाती हूँ और फिर हम मैं रोटी, मैंने बोला है वशु को कि रोटी ला दे मुझे, क्योंकि मेरे को बनानी पड़ेगी। तो वशु नीचे से ला के दे रही है दो रोटी, क्योंकि मुझे ही खानी है, मम्मी तो बाहर से खाए आए थे। अरे ये रखी सो बेड इस पे, मंजी पे नोना के बैग क्या। सो बहुत सारी तैयारियाँ चल रही है घर में, आप देख सकते हो कैसे भीड़ हो रही है। अरे इसे तो देख लो पहले। गाइस मैंने ना खाना तो बनाया ही था, तो मम्मी को लगा मैं खाना तो बनाऊंगी नहीं, नेल्स मेहंदी में लगी रहूंगी, तो मम्मी ने अपने आप ही छोरे भटूरे भिजवा दिए और इसके डन हो गया नेल्स। फिर क्या होएगा, इसकी मेहंदी और आज रिद्धि अकेले आई है, फिर मेरी मेहंदी। इतना मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए खाना खा के फिर करवाएंगे हम। बस रोटी ना खाती कतई, रोटी के तो गाइस दो ही ना लगती, ये बाहर का खिला लो इसे जितना मर्जी, रोटी नहीं खाएगी। फाइनली ना नोना को अब छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा खेलने कूदने में लग रही है ये वो। नोना मोए मोए करियो एक बार, इधर पहले मम्मा को किसी कर जल्दी। सो गाइस इसको हिला दिला तो दिया था, खाती भी नहीं इसने लिया। अभी तो पम्मी जा रहे हैं छोड़ने, और पम्मी आप क्या लेने जा रहे हो बताओ तो? नोटों की गड्डी लेने जा रहे हैं नोना के बर्थडे पे, जो चाहिए ना वारने वारने के लिए। वो पंखा क्यों चलाया? चलो मैं नेल्स कराती हूँ यहाँ मेहंदी। अपने नेल्स कराते कराते ज़रा कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों के, भाई मेरे से ना एक तो रिप्लाई दिए बिना रुका नहीं जाता, पता नहीं मेरे अंदर ना बड़ी बेकार सी आदत है कि जब तक मैं मुंह तोड़ जवाब ना दे दूँ ना किसी को, तो मेरे से ना रहा नहीं जाता। एक चीज़ तो पहली बात यह है कि लोग बोलते हैं बहुत सारे कि कुछ नहीं है, यूट्यूब की कमाई पे कूद रहे हैं, यूट्यूब की कमाई पे कूद रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि यूट्यूब की कमाई भी भाई इतना आसान होता ना तो हर कोई यूट्यूबर बना होता और हर कोई नोट छाप रहा होता। इतना भी हम नहीं कमाते जितनी तुम्हें हाई लगी रहती है। गुनू गाने बंद करे कि थप्पड़ मारूं मुंह पे आके। सो यूट्यूब की कमाई सी गाड़ी है, नेल्स करा रहे हैं, बाल नकली, नेल्स नकली, इतना ओवर कौन करता है, मेहंदी लगाता है, मैं यही सब करा रही थी, मैं यही सब कमेंट पढ़ रही हूँ। मतलब कितनी जलन है ना आप लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर बाप रे इतनी जलन। मतलब खुद तो कुछ अच्छा अपने बच्चे के लिए आप कर नहीं पा रहे, भगवान करे कि आपको भी इतना पैसा दे भगवान और थोड़ा सा कमाओ, मेहनत करो, आप अपने बच्चे के लिए कर पाओ। मेरा बच्चा मैं मेहंदी लगवाऊं, मुंह तक लगवाऊं, नेल्स कराऊं, बाल कराऊं, आपको क्या लेना? पहले बात तो एक आंटी जी ने कमेंट करा है, उन आंटी जी का कमेंट पढ़ के मैं बताती हूँ, नाम भी बताती हूँ। आंटी जी इतनी जेलस है, उन्होंने इसी ब्लॉग पे मेरे 3-4 कमेंट कर दिए, मतलब इतनी ज्यादा वो मेरे से वो हो रखी है। ये प्रिया नाम है इसका, प्रिया, मैं भैंडगी टकी पूरा इसमें बोल नहीं सकती, व्लॉग है ये कोई प्रिया करके इसने कमेंट करा है, कुछ रियल नहीं है इनका, नेल्स नकली, हेयर्स नकली, कपड़े फ्री के पहन रही है, गाड़ी यूट्यूब की कमाई की। तो जब तेरे पास नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? तू भी बन जा यूट्यूबर, इतना आसान है तो तू भी बन जा ना। अगर तुम्हें इतना आसान लगता है इसका, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी साइड में इसके कमेंट का, आप लोग देखना। वैसे मैंने कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे अंदर बहुत चूल है, मेरे से ना रहा नहीं जाता, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का लेके नहीं खा रही, अपनी मेहनत से बना रही ब्लॉग। आप बना लो ब्लॉग, भगवान करे आपके चल जाए, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए, आप बना लो, घमंड वाली बात नहीं, आप बना लो, क्या पता लोग आपको भी पसंद करने लगे। बनाओ ना, जब खुद नहीं कर पा रहे तो दूसरों में कमियां निकाल सकते हो। दूसरा अभी आई है वंशिका जी, कोई कतई मेंटल चोदी है ये तो, सच में लोग हर चीज ओवर कर देते हैं। इसने एक कमेंट ये करा है किसी का रिप्लाई में, वंशिका ठाकुर है ये, ठीक है, ये कोई वंशिका ठाकुर, इसका भी मैं साइड में लगा देती हूँ। पहली बात तो तुम मेरे कुछ लगते नहीं, व्लॉग देखना अच्छी लगती हूँ, देखो, नहीं देखना तो बाहर में जाओ ना,
या बकवास क्यों कर रहे हो, इसने करा है। अबे चल मोटी, हर चीज में तुम लोग ओवर कर देते हो, डिस्गस्टिंग। बर्थडे पे मेहंदी, सीरियसली मेरी मर्जी? मैं बर्थडे पे मेहंदी लगवाऊं, पूरे कमर पे लगाऊं, पूरे पेट पे लगाऊं, हाथों पैरों पे लगाऊं, तुम्हें क्या लेना? तुम्हें क्या लेना? तुम्हें लगवानी है, तुम्हें बोल रही हूँ मैं लगवाने को। और मेरे व्लॉग्स देखने हैं, देखो मैं ना बहुत ना इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे यार बिल्कुल गंदे। वैसे बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे खुश हैं, दीदी ऐसे नेल्स करवाना, दीदी ये ड्रेस पहनना, प्रेरणा ये करना, प्रेरणा वो करना, और अभी से इतने विशेस कर रहे हैं। पर कुछ जेलस इतनी होती है ना हमसे, लड़कियां स्पेशल, लड़के नहीं होते, ये लड़कियों ही काम है। तो ये वंशिका सिंह, ये प्रिया, दोनों साथ में आ रही है, ये इतनी जल रही है भाई, इनको इतनी जलन हो रही है कि हाँ ये इतना अच्छे से कैसे रह रहे हैं, इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं। अब तुम भी मेहनत करो, तुम्हें नहीं मिल रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरे से क्यों चिढ़ रहे हो? हद है भाई। इन दोनों के कमेंट मैंने आपको साइड पर लगा के दिखा दिया, आप खुद देख लेना इनके कमेंट। और एक ने कमेंट कर रखा है, एक का और बता देती हूँ मैं। एक का तो चल नॉर्मल कमेंट था, मजे वाली बात नहीं है, व्लॉग में मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बंद करो व्लॉग। तुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, तेरे मजे के लिए नहीं बना रही मैं व्लॉग, मैं अपने लिए बना रही हूँ। मुझे व्लॉगिंग करना पसंद था, फिर धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया, मैं अपने लिए बना रही हूँ। तुझे पसंद नहीं आ रहा तो तू देखना बंद करना, मैं बनाना क्यों बंद करूँ, तुझे क्या लेना मेरा फोन मेरा यूट्यूब। मतलब कितना आप ना किसी को इरिटेट कर देते हो, किसी के खुशी वाले माहौल में इतनी बकचोदियां करके आप लोग इतनी बकवास, कितना मतलब ना आपके अंदर गंद भरा पड़ा है, कितना गंद है। आपकी फैमिली ने क्या सिखाया आपको पता नहीं। हम तो भाई किसी को पसंद नहीं करते तो उसे इग्नोर करते हैं, देखना बंद कर देते हैं, पर आप लोग ऐसे पसंद नहीं करते, देखोगे भी और पूरे मजे भी लोगे और पूरा जलोगे भी। तो ये जो तीनों के मैंने नाम लिया ना, एक तो ये अभी मन अभी कोई करके था पता नहीं, एक प्रिया और एक क्या बोला था ने, मेरा गुस्सा शांत हो गया क्योंकि मैं पहले कमेंट्स के गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, और मेरे नेल्स डन हो गए तो नेल्स देख के भी मैं खुश हो गई। ये मेरे नेल्स हैं, मैंने पूरे मैट करवाए हैं, कैसे दिखाऊंगा आपको, यहाँ लाइट आ रही है ना, ये देखो ये पूरे मैट हैं। मतलब मेरा तो ब्लैक ड्रेस है, सो आप लोग समझ गए होंगे। वैसे ड्रेस तो मैंने आपको पहले ही व्लॉग में बता दिया था कि मैं ब्लैक पहनने वाली हूँ, नूना का भी ब्लैक है, इनका भी ब्लैक है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने नेल्स करवाए हैं। और मुझे अपनी ये वाली रिंग फिंगर इतनी अच्छी लग रही है ना, मैं नूना का बर्थडे ख़त्म होते ही ना ये सारे नेल्स रिफिल करा दूंगी, ये सारे हटा के ना इस फिंगर की तरह सेम पूरे हाथों पे करवाऊंगी मैट ब्लैक। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये देखो दोनों हाथों के डन हो गए हैं। सो ये मेरे फाइनल नेल्स है, आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कशिश ने कराए अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग पिंक, मैंने कराया अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ब्लैक, हिमांशु ने नहीं कराए। मैं और पैरों पे सिर्फ मैं नेल पेंट लगवाती हूँ, एक्सटेंशन कभी नहीं कराती। तो आप लोग बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं, जलने वाले तो बकवास ही मारेंगे पर जिनको अच्छे लग रहे हैं बताना। वैसे तो मेरे बहुत सारे अच्छे वाले फॉलोअर्स भी हैं। चलो मैं मेहंदी लगवाने बैठ गई थी और आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ दिख रही होगी कि कौन नेल्स करा रहा है, और पम्मी के जाने के बाद करा दी है क्योंकि जब पम्मी होते ना तो मुझे भी बातें सुनाते इसे भी, पर लेंथ बहुत छोटी करवाई है मैंने बिल्कुल नेचुरल कि इसका मन भी रह जाए, और क्योंकि इसका स्कूल भी है और बिल्कुल नेचुरल नेल्स करा रही है क्योंकि घर में फंक्शन है तो चलो बच्चों का चलता है यार। इसके जितने हम थे जब हम भी मन करता था ना तो कर लेते थे पिट पिटा के, ऐसे ही इसे भी धो धा के कर ही लेंगे। दिखा एक हाथ पे हुआ है, ये देखो बिल्कुल छोटे से कराया है इसने, ये देखो बिल्कुल नेचुरल से छोटे एकदम। तो कोई बात नहीं, बच्चों का मन होता है। और मेरी यहाँ मेहंदी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे अभी प्रेरणा की मेहंदी लग ही रही है, और अभी तो गाइस फ्रंट ही लगा है, बैक लगने में तो टाइम है। अभी देखो ये नाम देखो गाइस, इसने लिखा है यहाँ पे तेजस्वी, और बाकी दोनों हाथों पे भी लग रहा है, नूना का ही रियल लेव है। हाँ और यहाँ पे बहुत सुंदर सा डिजाइन, फिंगर्स का डिजाइन बहुत सुंदर है, बाकी उस हाथ पे भी लग गई, बस फिर ये सूख जाए उसके बाद हम बैक लगवाएंगे। एंड ये मेरी फ्रंट है, पता नहीं कहाँ गई, वो तो नीचे बोल के गई, और मैं मिलती हूँ नीचे। नीचे तो नहीं, इस वाले गेट से ही गई थी, नीचे का ही रास्ता है ना। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या नेल्स करें हैं? सो गाइस आप देख रहे हो टेबल की क्या हालत हो रही है, क्योंकि हमने मंगाया, बीच में भूख लग गई थी खाने के लिए, और ना रिया है ना एचयूबी सलून में जहाँ जाते दीदी की बेटी, वो पैरी पैरी खाती है, उसको देख देख के मुझे भी आदत पड़ गई पैरी पैरी फ्राइज की, और हम खा ले फिर आपसे मिलते हैं, बाय। जीजू आ जाओ, बैक की मेहंदी लग रही है, फ्रंट की सूख गई थी, खा पी के हम बैठ गए, और ये वाला डिज़ाइन लग रहा है फ़ोन में जो है। और हिमांशु और रिद्धि की एक खास बात है कि जो मैं फ़ोन में देखती हूँ ना वो सेम लगा देते हैं, फ़ोन में सेम नेल्स देखे उसने सेम नेल्स कर दिया, फ़ोन में सेम फोटो है ना ये सेम फोटो के नेल, ये नेल्स कह रही हूँ मेहंदी लगा देगी, आप देख सकते हो बिल्कुल। अब मेरी मेहंदी भी डन हो जाएगी, और पहले तो मैंने सोचा था कि इतनी लगवाऊंगी मेहंदी, पर यार फिर मेरा ना एक जो ड्रेस है ना वो एक हाथ पूरा कवर है, एक हाथ पूरा नंगा है, तो एक हाथ में लगवा लेती है। मैंने रिद्धि को बोला मैं एक हाथ पे ना इतना ही दिखेगा, इतनी लगा दे और एक हाथ पे पूरी लगा दे,
रेगैरी जब फिर मतलब ड्रेस चेंज हो जाएगा अगले दिन आगे रील्स बनाओगे फिर क्या होगा, मतलब फिर कोई बात नहीं बर्थडे की बात है, पर इसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे इस हाथ पे तो वेस्ट लगवाई है मैंने, पर वेस्ट नहीं कह सकती इतनी अच्छी मेहंदी को, तो मतलब एक हाथ तो दिखना ही नहीं है मेरा, पूरा सिर्फ ये दिखनी है हथेली, तो इसलिए इस पर मोर बन रहे हैं, और ये हाथ मेरा पूरा बाहर रहने वाला है, तो नाम भी इसी हाथ पे अनुना का तेजस्वी लिखवाया मैंने आगे, सो मेरी पूरी मेहंदी हो जाए। कलर देखना अभी इसी आने लग गया, पिछली बार तो मेरे पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी करवा चौथ पे कलर क्यों नहीं आया, गाइस पता है मैंने किसी ने हाई लगा दी थी, मुझे नहीं पता किसने लगाई थी, वरना मेरी मेहंदी इतना अच्छा कलर लाती है ना, और इसकी मेहंदी तो इतना अच्छा कलर लाती है ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरे को पहले कलर नहीं आता था, पर जब से मैं रिद्धि से मेहंदी लगवाती हूँ मेरे को कलर आता है, पर पता नहीं करवा चौथ पे किसने हाई लगाई मेरे, है नी रिद्धा किसी को दिखा देगी ना बहुत सारे लोगों को। हाँ यार सही कह रही है, जो लोग चिढ़ते हैं ना उन्हें लगा। हाँ चलो अब पूरी मेहंदी लगाने के बाद आपसे मिलेंगे सीधा सुखा के, उसके बाद मैं फोन नहीं चला पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा मेहंदी है। बाय। सो गाइज फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है, टाइम हो रहा है 11 बजे मेरी मेहंदी लग के फ्री हुई है, पम्मी की भी लग गई, वर्षु की भी लग गई, वर्षी दिखा अपनी दो लगी बहन, पम्मी आप दिखाना अपनी। गाइज अभी हमारे घर में खाली जन्मदिन है, हम इतने खुश हो जा रहे हैं, और जब पर लोग कमेंट कर तो रहे हैं कितने वो हैं डिसगस्टिंग है ये है वो है, अपनी मेहंदी दिखाओ। ये भैया नूना के पापा आएंगे, और ये रिद्धि ने जिद करके लिखा है प्रेम न लिखो, वरना ये कहा मेरा नाम मेहंदी से मेरा गुंदवारा कौन असल में की बात है मेहंदी नहीं बात है, चलो क्या आ गई रिद्धि को छोड़ के। सो गाइस माय मेहंदी डन बाय गोला, तूने वैसे रिद्धि गोला नाम सही रखा अपना, गोला ये तो कहते हैं इसीलिए तो रखा है। सो गाइस बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, अगर आप लोगों को भी लगानी है तो रिद्धि का इंस्टाग्राम पेज आप लोगों को पता है मेहंदी आर्टिस्ट क्या था, रिद्धि गोला मेहंदी आर्टिस्ट, रिद्धि गोला मेहंदी आर्टिस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दूंगी, वहां जाके बुकिंग करा सकते हो, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, होम सर्विस अवेलेबल है आप लोगों का, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत अच्छी मेहंदी अच्छी, और आपको तो पता ही है मैं हमेशा रिद्धि से ही मेहंदी लगवाती हूँ, नेल्स हमेशा हिमांशु से ही कराती हूँ, तो अगर आपको हिमांशु का कॉन्टैक्ट चाहिए तो उसका भी लिंक डाल दूंगी मैं और इनका भी डाल दूंगी, तो इन्हें फॉलो करो और अपने लिए बुकिंग करो। ब्राइडल मेहंदी तो आजकल बहुत अच्छी लगा रही है, तो तुमने फोटो वाली भी सीख ली ना वो दूल्हा दुल्हन वाली ना, पोर्ट्रेट भी बनाने लगी है, वो मैं ट्राई करूंगी अब नेक्स्ट करवा चौथ पे। तो चलो बाय गाइस, अब मेरी मेहंदी सूखने के बाद मिलेगी, गुड मॉर्निंग, और आज तो पता नहीं क्या हुआ मेरी खुद आँख खुल गई, मैं उठी पूरे मुंह पे मेहंदी मेहंदी, गले में मेहंदी मेहंदी, और पता है आपको बताऊँ, सॉरी मैं उठी हूँ अभी हो रहे हैं 7:05, मुँह में भी चलेगी मेहंदी, 7:05 हो रहे हैं, आप सुबह का मौसम देख सकते हो, सूरज भी नहीं आया, मैं थोड़ा उधर छुपा हुआ है, सूरज आने वाला है, और मैंने जाके पैंट लग रही थी, ये देखो मेहंदी का कलर और ना नॉन फिल्टर कलर, और मैंने कल हेयर वॉश भी कर लिया था ना, तो मेरे बालों में ना वो लगा हुआ था कैरेटिन ट्रीटमेंट, तो कलर दिख नहीं रहा था, अब आया है कलर, ये देखो मैं तो ऐसे हो रही हूँ, वैसे नई नई शादी हुई है मेरी अभी, है ना, कितनी रची है, और मैया में लोगों ने मुझसे ज़्यादा प्यार करा है, करवा चौथ पे रची वो आदमी करता ना प्यार, इसलिए नोना के नाम किया ना ये लिखा तेजस्वी, तो ये ज़्यादा रची है, मैं 7 बजे इसलिए उठ गई क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था घर पे शायद कुछ है, तो मम्मी ने बोलता कि 10 बजे आना है, तो जो मम्मी को नहा के बिल्कुल, क्योंकि मम्मी ना हर पूजा में बिना नहाए बैठ जाता सही में, तो इसलिए मैं उठ गई 7 बजे और बिना अलार्म के आप खुल गई, अब नहाऊंगी नहाऊंगी तो बाद में, पहले ना रात को ना मैं रोटी नहीं बनाई मैंने, मतलब 2 रोटी तो पड़ी हुई थी, पर फिर भी ना मम्मी सो गया मैं भी सो गई, मतलब उसने मुझे उठाया भी नहीं रोटी के लिए, मैंने बोला था मुझे उठा दिया थोड़ी देर में, उसने उठाया नहीं, भूखा ही सो गया, मैंने तो बर्गर खाए थे उसने भी खाए थे, पर वो बिना रोटी को सोता नहीं है, पर भूखा ही सो गया, फिर मैं इसीलिए उठी, मैंने कहा सुबह सुबह चाय पराठे बना देते इसको, जो कि रात को भी नहीं खा रहे, और अब देखती हूँ वशु भी स्कूल अभी गई नहीं होगी, और देखो मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है बस फेशियल के बाद, बिना मेकअप अभी तो धोया भी नहीं है, और कुछ मेकअप भी नहीं कर रखा, और कोई फिल्टर भी नहीं है ब्लॉग में, तो कोई फिल्टर होते नहीं, सो चलो 7 बजे कैसा लग रहा है उठ के, अच्छा सा उठती नहीं हो ना इस टाइम पे कभी, मेहंदी का फुल कलर हाइट का कैसे दिखाऊं क्योंकि जैकेट पहनी मैंने, तो चलो मिलते हैं आपसे, पराठे वराठे बना लो नहा लो, 7:05 हो गया, 9 बजे तक रेडी हो जाना है मुझे, जब मैंने इन्हें चाय दी ना मैंने जब बताया कि अभी 7:30 हो रहे हैं, तो बोल रहे इतनी जल्दी कैसे उठ गई तू, मतलब आप क्या समझ के खा रहे थे, इसके बाल देख जब उठता है ना बाप रे, देख के मुझे डर लगता है कटवा नहीं रहा इन्हें जूतरन ने, आप क्या सोच रहे थे कितने बज रहे, 10 बज रहे, मैंने से अगर मैं इसे बोलती ना 7 बज रहे हैं तो ये कहता मत बना चाहे, और मैंने जल्दी इसलिए बनाई कि मैं मेरे को याद, मेरी एकदम गाइस आँख खुली ना तो मुझे याद आया रोटी बनानी थी मैं तो भूल गई, इसलिए मेरे को उठाया ही नहीं रोटी के लिए,
ऐसे ही सो गया। तो मैं जा रही रोटी बनाने, फिर मैंने टाइम देखा कि जब मैं उठी 6:30 हो रहे थे। फिर मैं घूमती रही, फ़ोन चलाया, फिर 7:05 पे आप लोगों को जगाया और फिर अब चाय बनाई है, अब नहाऊंगी। गाइस चलो, वाईफाई बंद पड़ा है, नीचे गिरा पड़ा है पूरा, मुझे व्लॉग डालना ना चल रहा क्या चल रहा पर अब आ ही नहीं रहा। अब मैंने देखा ना बाहर भी चला रही हूँ, जब भी नहीं आ रहा, तार वार हिल गई होंगी। और सो गाइस चलो मैं ये वाले ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब हम नहाएंगे धोएंगे अगले फंक्शन में जाने की तैयारी करेंगे, अगले व्लॉग में आने की तैयारी करेंगे। सो आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस। और मुझे तो अपने लुक का बड़ा वेट हो रहा है, क्योंकि नोना के बर्थडे पर खिल के ही लुक आता है। पिछले साल भी मेरा बहुत अच्छा मेकअप हेयर स्टाइल सब बहुत अच्छा हुआ था। पिछले साल मैंने वो पहना था सिल्वर वाला लहंगा, जिसने पिछले साल का व्लॉग देखा हो। इस बार मेरा इंडो वेस्टर्न ड्रेस है। सो टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में और फिर सीधा बर्थडे व्लॉग में।